हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ठीक है, तो एंगल्स में दो प्रकार के हम लोग एंगल्स पढ़ चुके थे, जिसका नाम था एक्यूट एंगल और दूसरा ऑब्ट्यूस एंगल्स। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे, तो चलिए देखते हैं बोर्ड पे। बात करते हैं क्या है टाइप्स ऑफ एंगल में। है आपका थर्ड नंबर जो है राइट एंगल है। राइट मतलब समकोण, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं समकोण। तो यहां पे देख सकते हैं राइट एंगल क्या है, एन एंगल हुज मेजरमेंट इज इक्वल टू 90 इज नोन एज राइट एंगल। यानी कि ऐसा कोण, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना हो, 90 के बराबर हो, उसको राइट एंगल बोला जाता है। जैसे आप देख सकते हो यहां पे बच्चे कि x जो है एक एंगल है जिसका मेजरमेंट कितना है, 90 डिग्री है। यहां पे इसको भी दिखाने के लिए, आप परपेंडिकुलर दिखाने के लिए ये 90 का साइन लगाते हैं आप, ठीक है, तो ये होता है। आगे है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल भी बहुत आसान है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट क्या होता है, 180 से तो बड़ा हो लेकिन 360 से छोटा हो। यानी कि द एंगल हुज मेजरमेंट इज मोर देन 180 बट लेस देन 360 इज नोन एज रिफ्लेक्स एंगल। आप देख सकते हो इसको, मान लीजिए कि जेड एक एंगल है हमारा जो क्या है 180 से, देखिए यहां पे थोड़ा सा साइन गड़बड़ हो गया है, 180 से ये बड़ा है और 360 से छोटा है, ऐसा साइन होना चाहिए। ठीक है, तो 180 से क्या है, बड़ा है और 360 से छोटा है, उस तरह के एंगल्स को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। जैसे एग्जांपल्स के तौर पे यहां पे 185 है, 350 है, 280 है, ये सब तुम्हारा एंगल हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल। आप देख सकते हो ये वाला यहां तक जो स्ट्रेट लाइन में आता है ये टोटल 180 होता है बच्चे, 180 से बढ़ गया यानी कि 180 से ज्यादा हो गया। 360 कब होगा, ये पूरा ओवरऑल घूम जाएगा 360 हो जाएगा। तो ये समझ में आ गया होगा क्या होता है रिफ्लेक्स एंगल। आगे देखिए स्ट्रेट एंगल क्या होता है। स्ट्रेट एंगल ऐसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होगा, 180 होगा। यानी कि 180 मेजरमेंट जिसका भी होगा उसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेट एंगल बोलेंगे। जैसे हमारे पास x बराबर है 180, तो स्ट्रेट एंगल को ऐसे दिखाया जा सकता है। ठीक है, तो 180 के जो बराबर होगा वो एंगल क्या कहलाएगा, 180 वाला। ठीक है, उसके बाद कंप्लीट एंगल, यानी कि वैसा एंगल जिसका मेजरमेंट कितना होगा, 360 होगा। जिसका मेजरमेंट 360 होगा वो क्या कहलाएगा, कंप्लीट एंगल कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद है जीरो एंगल। सिंपल सी बात है, जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री होगा वो क्या कहलाएगा, जीरो एंगल्स कहलाएगा। तो ये नॉर्मल तौर पे हम लोग एंगल्स को डिफाइन कर लिए कि कौन कौन से एंगल्स होते हैं। अभी इसके बाद वाला जो वीडियो रहेगा उस वीडियो में हम बात करेंगे लाइंस के बारे में और उससे रिलेटेड जो एंगल्स बनता है उस सब के बारे में। तो मोर डिटेल्स होगा लाइंस और एंगल्स का, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। उम्मीद है ये सारा का सारा टाइप्स ऑफ एंगल्स होगा जो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स अ लॉट, जय हिंद, वंदे मातरम।